हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बगेल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त देवपाल बगेल। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ट्विटर पर अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सीखना हो कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल से इंस्टाग्राम के अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा ट्विटर को कैसे डिलीट किया जाता है। दोस्तों इसके लिए अगर आप लोग ट्विटर को अपनी एप्लीकेशन से ओपन करते हैं या फिर यूजी ब्राउजर या फिर किसी भी ब्राउजर से आप लोग ओपन करते हैं तो आप लोगों को परमानेंट डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख लें कि प्रोफाइल में, सेटिंग में, कहीं पर भी चले जाइए लेकिन आपको परमानेंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आज मैं आपको डिलीट करने का ऑप्शन बताने वाला हूँ कि कैसे आता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर लेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको जाना है अपने क्रोम में। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग क्रोम को ओपन कर लेते हैं। चलिए फिर क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें तीन डॉट नज़र आते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर यहाँ पर आपको टाइप करना है ट्विटर। चलिए ट्विटर जो है टाइप कर देते हैं और यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन ऑन ट्विटर पे क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट आपकी ओपन होगी जहाँ पर आपको लॉगिन के लिए कहा जाएगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिएगा, आप अपनी आईडी को ओपन करें पहले, सबसे पहले। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो 30 दिन तक आप लोगों को आईडी बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। अगर आप लोग 30 दिन से पहले अपनी आईडी को ओपन कर लेंगे तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी और जो रिक्वायरमेंट है डिलीट की वो दोबारा से कैंसिल हो जाएगी और आपका डाटा जो है 30 दिन के अंदर आपका डिलीट नहीं हो पाएगा। तो एक बार डिलीट करने के बाद आप दोबारा से ओपन ना करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक ट्वीट का है और एक प्रोफाइल का है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग क्लिक कर ले अपनी इमेज पर और यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है। ये देखिए, मैं चलिए जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिवेट माय अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप लोग 30 दिन के अंदर आईडी को दोबारा लॉगिन कर सकते हैं लेकिन आपकी आईडी ओपन हो जाएगी लेकिन परमानेंटली फिर डिलीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप लोग दोबारा से इस आईडी को ओपन ना करें एक बार डिलीट करने के बाद। तो चलिए इस पर हम लोग दोबारा से क्लिक कर देते हैं डिलीट पे और यहाँ पर आपको देना है पासवर्ड। तो जो आपका पासवर्ड है लॉगिन करते वक्त आपने पासवर्ड डाला है वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है डिलीट माई अकाउंट पर और उसके बाद आप लोग यहां पे पढ़ सकते हैं कि योर अकाउंट इज़ नाउ डीएक्टिवेटेड, तो आपका अकाउंट जो है डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर अपने ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। और यहां पर आप लोग साइन इन और क्रिएट नाउ पे क्लिक करके दोबारा से अगर आप लोग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से एक और नया अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसी ही ट्रिक लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है और डेली अपडेट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।